हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनिवर्सरी स्पेशल प्रोजेक्ट लेकर आ गया हूं, जो आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं न्यू कपल्स के लिए, या आपका खुद एनिवर्सरी है तो आप खुद भी बना सकते हैं। इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर इस एडिटिंग को आप करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको मेरे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट का नाम काफ़ी ईजी है, जो चैनल का नाम है उसी को आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। फर्स्ट में मेरा वेबसाइट आपको मिल जाएगा, देन उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वेबसाइट जो ओपन होगा तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो थंबनेल पे आप एक कोड देखे होंगे, हैच ए और कुछ नंबर रहा होगा, तो उसे आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे पोस्ट आपको मिल जाएगा। वैसे इस टॉपिक पे मैंने ट्यूटोरियल बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उस वीडियो को एक बार बस देखेंगे तो मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है आपको पता चल जाएगा। काफ़ी ईजी स्टेप है, मटेरियल सब डाउनलोड कर लेंगे। तो जो प्रोजेक्ट मैंने प्रोवाइड किया उसे इंपोर्ट करने के बाद एलाइट मोशन ऑटोमेटिक आपको ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं एडिटिंग आपको करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए ओपन करते हैं एलाइट मोशन एप्लीकेशन को। सो गाइस, एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होने पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपने जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया है और ये प्रोजेक्ट आपको मिल गया होगा, तो इसे मैं सिंपली एक थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि आपको इस पर एडिटिंग करके मैं दिखा सकूँ। तो फर्स्ट तो मैं इसे ओपन करूँगा। आप जब इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे आ जाना। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे तेरे वास्ते, तो सिंपली इसका वर्ड हो सकता है, अगर आपके पास ये लाइडिक्स ना हो तो चेंज हो गया होगा। तो आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे स्टे एंड साइन मैंने यूज़ किया। आप कोई सा भी बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, फर्स्ट में कोई सा भी बोल्ड फॉन्ट यूज कर लीजिए। देन राइट क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट, इसके नीचे वाला जो वर्ड है इसका लिए मैंने एक सिग्नेचर फॉन्ट यूज किया है, तो आप यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट सिग्नेचर टाइप का या स्मॉल में इस टाइप का कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। देन इसे आप ऊपर वाले फॉन्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। राइट यहाँ पे क्लिक करने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, आप जहाँ भी रखना चाहते हो। तो देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो गया, फर्स्ट एडजस्ट हो गया। अब सेकेंड यहाँ पे आप देखेंगे फलक से, तो यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट का तो इमेज भी हमें चेंज करना है। तो ये वाला जो इमेज देख सकते हो, तो आपको क्या इमेज को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल में जाना है। यहाँ पे आप ये वाला जो ऑप्शन है मीडिया वाला, इस पर टाइप करना है। यहाँ पे आपके सामने आपके फ़ोन में जो भी फोटोज होगा यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट में ये वाले फोटो को सिलेक्ट करते हो। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे प्लस कर देंगे, फोटो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 4.5 रेशियो में। ये सही है, अगर आपके पास 4.5 रेशियो का फोटो होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो एडजस्ट तो हो जाएगा, बट अगर आप चाहे तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिल करेंगे तो जो शेप में फोटो था वो शेप में आ जाएगा, फिट करेंगे तो फिट जिस शेप में था उस शेप में आ जाएगा। मतलब 9:16 रेशियो में फोटो था, तो देख सकते हो फोटो हो गया, और फिल करेंगे तो इतना पे आ जाएगा, 4.5 में ये फोटो फिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप देख लीजिएगा, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे। आगे आने के बाद यहाँ पे ग्रुप जो है इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एडिट ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक तो फोटो दिखेगा, इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल में जाइएगा, और यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, ये वाले मीडिया वाले ऑप्शन टैप करना है। देन जेपीईजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक तो फोटो ले लेना है। जो भी फोटो आप सिलेक्ट करेंगे प्लस करेंगे, फोटो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 4.5 रेशियो में। ठीक है, अगर इसी को आप फिट करते हैं तो 9:16 में ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा जिस भी शेप में आप फोटो रखना चाहे, वैसे 4.5 रेशियो में ही फोटो यहाँ पर सही लग रहा है। अगर आपका फोटो जिस शेप में हो उस शेप में यहाँ पे एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज इसे सेलेक्ट करने के बाद आप मूव करके भी सेंटर में इसे रख सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हो। चलिए मेरा हो गया, यहां से मैं सिंपली बैक आ जाता हूं। तो यहाँ तक का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहाँ पे भी आपको ये मैंने लाइरिक्स एडजस्ट करना नहीं बताया, तो यहाँ पे आप दो ठो लाइरिक्स देख सकते हैं फ्लक, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाएंगे। देन यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाहे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे बोल्ड फ़ॉन्ट है, तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। देन राइट क्लिक करते हैं, टेक्स्ट नीचे वाला जो है इसे भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉन्ट मेरे पास है, तो मैं इसमें से जो भी सिलेक्ट करूँगा एडजस्ट होगा, बट मेरे लिए ये सेफ है, ये देख सकते हैं अच्छा लग रहा है स्टाइलिश टाइप का, तो मैं इसे रहने देता हूँ। अब आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो आप देख सकते हैं, मैं चांद लाऊँगा
तो यहाँ पे एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, एडिट ग्रुप में जाइए। अगर आप चाहे तो ये मून का फोटो भी चेंज कर सकते हैं, या मून का कलर आप चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो कलर लाइट में जाएंगे, हुई शिफ्ट में जाएंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे और यहाँ से इसका जो भी कलर आप रखना चाहे तो कलर को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये रहने देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर लाइटिक्स जो है इसका भी चेंज करना होगा, तो आपको फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी फ़ॉन्ट आपके पास हो उसे ले लीजिएगा। फ़ॉन्ट लेने के बाद आप इसका साइज़ बढ़ाकर इसे दो लाइन में रखिएगा, फ़ॉन्ट को यहाँ पर लाइन जो इसका दो लाइन में रखिएगा और राइट क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद इसे मूव ट्रांसफॉर्म की मदद से एडजस्ट कर लीजिएगा, इस तरह से सेट कर दीजिएगा अच्छी तरह से। और इसका डिस्टेंस अगर कम लगे तो आपको क्या करना होगा, एडिट में जाकर यहाँ से इसे इस तरह से बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बॉस परफेक्ट हो गया, यानी यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो ये ग्रुप का भी काम हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप भी एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, इस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट ग्रुप में जाइएगा। यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको आपको एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको करते हैं ये वाला, ये जो है ये एक यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से इसका लैडिक्स जो है इसे सेलेक्ट करना है और जो भी लैडिक्स यहाँ पे लेना चाहे उस लैडिक्स को ले लीजिए। तो मैं ये वाला साइन राठी ले लिया हूँ, राइट क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट तो इसका हो गया, ये कहाँ से लगा, लास्ट में चला गया, इधर होगा, हाँ सॉरी यहीं पर, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये वाला जो स्टार्टिंग में आपको दिखा होगा यहाँ पे इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये एक क्विट से लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं या फिर इसे रहने दे सकते हैं। यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए, जो भी फॉन्ट आप रखना चाहे फॉन्ट रख लीजिएगा। फॉन्ट आप कोई भी रखेंगे तो दो लाइन में ही इसे हमें रखना है, तो सिंपली यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। देन राइट क्लिक करते हैं, करने के बाद इसे राइट क्लिक करने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म की मदद से नीचे की तरफ पूरा सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और इसे छोटा कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो एकदम फिट हो जाएगा। इस तरह से रखिएगा सेंटर में, यहाँ पर इस तरह से रख लीजिएगा, ठीक है, अभी सही लग रहा है। देन यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आ जाना है। ये वाला जो एक शोबेकन फोटो जो देख सकते हैं इसे कुछ नहीं करना, मॉडल फोटो जो देख सकते हैं इसे सेलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। यहाँ पे आपको एक फोटो दिखेगा, इसे भी सिलेक्ट कीजिए, कलर एंड फिल्म में जाइएगा, ये वाले ऑप्शन टैप करके रिप्लेस कर लीजिएगा, दूसरा फोटो यहाँ पे लगा लीजिएगा। जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को लगा सकते हैं। चलिए मैं तब तक के लिए इसे लेता हूँ, देन प्लस करते हैं। अब फोटो यहाँ पे मेरा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और फोटो को यहाँ पे इस तरह से सेट करूँगा कि अच्छे से दिखे। अगर आप थोड़ा बहुत रोटेट करके एडजस्ट करें तो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते फोटो मेरा इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे देख सकते एकदम फिट दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा फोटो यहाँ पे लेना है। तो ये वाला फोटो जब देख सकते हैं इसे सेलेक्ट कीजिए, कलर फिल्म में जाइएगा, यहाँ से आपको फोटो को रिप्लेस कर देना। तो सिंपली सेलेक्ट करेंगे, फोटो दूसरा ले लेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो फोटो एकदम फिट हो गया। यहाँ से फिल भी कर सकते हैं या फिट भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ, तो फोटो कुछ इस तरह से दिख रहा है। देन यहाँ से इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये लाइटिंग से दिख रहा है ये सब यहाँ से इसमें ये रहा 16-17 सितारे, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से भी आपको फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। अगर फ़ॉन्ट चेंज करते तो साइज़ को अपने एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, मतलब फ़ॉन्ट को यहाँ पे आप फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा साइज़ को। परफेक्ट यहाँ पे हो गया। अगर आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपली कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लीजिएगा। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर आपको रखना हो। सॉरी, यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट रखिएगा, ये स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। ये वाला जो देख सकते हैं इसका कलर आप चेंज करना चाहे तो इफेक्ट में जाइएगा, एडिट में जाइएगा और यहाँ पे आपको कलर लाइट में मिल जाएगा कलर बैलेंस, तो इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा और यहाँ से इसका कलर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सेट कर लीजिएगा। शैडो इसका आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, ग्रुप मेरा आगे की तरफ चला गया, ये वाला इसे थोड़ा सा आगे खींच लेंगे यहाँ तक, परफेक्ट, ठीक है। तो कभी कभी ग्रुप पर जब हम एडिट करेंगे तो इस तरह का हो जाता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये सेट हो गया, देख सकते हैं अब ये परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ तक का तो लास्ट काम हो गया हमारा। अब इसके बाद ये स्टार्ट हुआ सबसे लास्ट वाला प्रोजेक्ट, तो इसे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आना है, ये फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कलर एंड फिल पर क्लिक करके
और दूसरा फ़ोटो यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। आपको कोई भी साइज़ का फ़ोटो होगा कोई परेशानी नहीं है, फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये वाली फ़ोटो को सिलेक्ट किया, फोटो कुछ इस तरह से आया। यहाँ पे फिल करेंगे तो फिल 4.5 रेशियो में आएगा, फिट करेंगे तो जो हमारा रेशियो था उस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा काम हो चुका है। लास्ट यहाँ पे ये वाला लास्ट है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आना है, यहाँ पे फोटो दिख रहा है इस फोटो को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल में जाना है, यहाँ से दूसरा फोटो आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं तब तक के लिए यह वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे ये फ़ोटो तो नीचे की तरफ चला गया। अब एक फ़ोटो ऊपर भी है, तो आपको क्या करना, थोड़ा सा ऊपर आ जाना है और ये ग्रुप जो है इसे सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, देन यहाँ पे जो फ़ोटो अभी आप चेंज किए हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, कलर एंड फिल में जाना है, ये वाले ऑप्शन टैप करना है और यहाँ से दूसरा फ़ोटो आपको चेंज कर लेना है, जो भी आप लेंगे वो फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला, चलिए मैं इसे रख लेता हूँ। फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब इसे फिट करना चाहे या फिल करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पर फिल कीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा, फिट करेंगे तो फ़ोटो कटेगा। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, बैक करेंगे। अब एक फ़ोटो ऊपर में भी, वहाँ पर ऊपर जो कॉर्नर पर देख सकते, इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल में जाएंगे और दूसरा फ़ोटो ले लेंगे, प्रोफाइल फ़ोटो, जिससे किसी चीज़ का आइकन का फ़ोटो रहता है उस टाइप से यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए। तो ये वाले को सिलेक्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो फिट है, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, फिट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, बट फिल रखिएगा यहाँ पे, प्रोफाइल फ़ोटो फिल रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। और एक फ़ोटो ये वाला है, इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कलर एंड फिल में जाएंगे, यहाँ से इस फ़ोटो को दूसरा रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए कौन सा रख लूँ, चलिए यहाँ से ये वाला रख लेता हूँ, देन यहाँ पे प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पे फिट कर देंगे, फ़ोटो को थोड़ा सा मूव करके नीचे कर देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा प्रोफाइल पे। तो यहाँ से ये सीट लग रहा है एकदम परफेक्ट, देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से नीचे जा रहा है और फिर साइड में स्क्रॉल हो जा रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर हमारा काम हो गया, एकदम फिनिश हो गया। अब देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है, क्योंकि कोई भी परेशानी नहीं है हमारी एडिटिंग में। तो बस हमारा एडिटिंग फिनिश हुआ, यहाँ से हम बैक करेंगे। बैक करने के ऊपर एडो जो है इस पर क्लिक करेंगे, और सॉरी एक यहाँ पे ग्रुप हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे आने के बाद इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से कट कर देते हैं, परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है। अब ऊपर जो एडो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो पूरी वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।